ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। एक व्यक्ति भोजन करने गया और साधारण परिवार था, तो उसने भोजन कराया, राबड़ी रोटी परोस दी और वह जल्दी भोजन कर तृप्त होकर आ गया। दूसरा किसी बड़े घर में गया था तो उसके सामने 10-20 चीजें परोस दी। अब पहले तो वह चिंता मेरा क्या खाऊं, पहले किसको खाऊं और क्या क्या खाऊं, इस चिंता में ही उलझ गया। तो समय प्रलंब हो गया। जब दोनों मिले तो उसने कहा, इतनी देर कैसे की, रोटी खानी थी, इतनी देर कैसे की। तो उसने पूछा, तुमने इतना जल्दी कैसे किया। तो बोला, क्या करना था, रोटी राबड़ी थी और सीधा खा लिया। उसने कहा, भैया तुम्हें पता नहीं, मैं जहाँ गया था वहाँ तो 200 चीज़ें थी, तो बहुत देर तो इसमें उलझा रहा कि पहले किसको खाऊं, फिर उलझा रहा क्या क्या खाऊं। इस उलझन में भी समय बीत गया और फिर इतनी चीज़ों को खाते रहा तो बहुत समय लग गया, क्या करूँगा। मैं भी सोचता हूँ कि मेरे सामने कोई एक प्रश्न होता, रोटी राबड़ी होती, तो बहुत जल्दी काम हो जाता। और जब दसों बातें सामने आ गई, कितनी बातें सामने आ गई, तो सोचूं किसको लूं पहले। अनेक बातें हैं, प्राथमिकता किसे दूं और किसे लूं। हमारे यहाँ दो वृत्तियाँ रही है, एक विस्तार वृत्ति और एक संक्षेप वृत्ति। विस्तार वृत्ति जहाँ एक बात का बहुत विस्तार हो सकता है, और एक संक्षेप की प्रणाली जहाँ बहुतों का विस्तार का एक थोड़े में संक्षेप हो जाता है। मुझे वे प्राचीन बातें भी स्मृति में आ रही हैं कि किसी सम्राट ने आदेश दिया कि विश्व का इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। मंत्रिपरिषद ने व्यवस्था की, पंडितों को लगा दिया और कहा, महाराज 3 वर्ष में विश्व का इतिहास आपके सामने आ जाएगा। 3 वर्ष की अवधि पूरी हुई और ऊँटों पर लद कर, कई ऊँटों पर, और वे पुस्तकें आई, सम्राट के सामने आई। सम्राट ने पूछा, क्या है, क्या यह महाराज विश्व का इतिहास जो आपने कहा था, आपकी आशंसा थी कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, वह सामने है। सम्राट ने देखा, कर इतने पुस्तकें कौन पढ़ेगा, मैं राज्य का संचालन करूँ या इन पोतों को पढ़ूँ, संभव नहीं है, छोटा करो। फिर छोटा किया, फिर छोटा किया तो भी बहुत, पहले अगर 10 ऊंट थे तो 2 ऊंट तो अब भी आ गए। सम्राट ने कहा, मैं तो इतना नहीं पढ़ सकता, इतना समय नहीं है मेरे पास, और छोटा करो। अब सम्राट छोटा कराता गया, पंडित भी परेशान होते गए, छोटा करते गए,
और 5-10 पुस्तकों में कर दिया तो भी सम्राट कहता बहुत मैं नहीं पढ़ सकता, और छोटा करो। जब सब परेशान तो थे, एक दिन सब मिलकर आए लेखक, और आकर एक कागज के टुकड़ा पर्ची सम्राट के हाथ में दी। सम्राट ने कहा क्या है? तो विश्व का इतिहास क्या है? उसमें लिखा था आदमी जन्म लेता है, कुछ समय रंगमंच पर अभिनय करता है, एक दिन चला जाता है, विश्व का इतिहास समाप्त। दूसरी एक प्राकृत साहित्य में घटना मिलती है कि ऐसे ही किसी सम्राट ने आदेश दिया कि मैं आयुर्वेद भी पढ़ना चाहता हूँ, चिकित्सा शास्त्र भी, और कामशास्त्र भी पढ़ना चाहता हूँ, धर्मशास्त्र भी पढ़ना चाहता हूँ, ये सब पढ़ना चाहता हूँ। तो चार विद्वान लगे और चारों ने अपने ग्रंथ बनाए, चारों ने एक एक ग्रंथ के एक एक लाख श्लोक बनाए, लक्ष चतुष्टयी जाता, 4 लाख श्लोक बने और सम्राट के सामने प्रस्तुत किया। सम्राट ने कहा इतना कब पढ़ूंगा, मुझे तो राज्य का संचालन करना, कैसे पढ़ पाऊंगा, छोटा करो। तो वैसे ही छोटा करते करते आखिर जब छोटा करने की बात आई तो फिर आ गया बृहस्पति रविश्वास है कपिल प्राणी नाम दया। चारों ने अपना कर दिया, जो राजनीति का शास्त्र बृहस्पति ने लिखा उसने इतना लिख दिया कि महाराज राजनीति का सार यह है कि पूरा विश्वास किसी पर नहीं करना चाहिए, अविश्वास होना चाहिए, विश्वास करना चाहिए पर नाति विश्वसेत, विश्वसेत किंतु नाति विश्वसेत, विश्वास करो पर किसी पूरा विश्वास मत करो। कामशास्त्र का आ गया कि स्त्री सु मार्दवं, स्त्रियों के प्रति मृदुतापूर्ण व्यवहार करो। कपिल प्राणी नाम दया, कपिल का आ गया कि धर्म का सार है प्राणियों पर सब पर दया करो। तो ये दोनों प्रकार की वृत्तियां, संक्षेप और विस्तार। मैं अगर संक्षेप वृत्ति को लूं, सब बातों का एक में समाहार कर सकूं, तो ये प्रस्तुत विषय में होगा कि प्राणी नाम दया। कपिल जो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, उनका जो मत आया कि कपिलक प्राणी नाम दया, सब पर दया करो, अनुकंपा करो, यदि प्राणी मात्र के प्रति, एक राष्ट्र को ले तो राष्ट्र के सब भूखंडों के प्रति समान रूप से करुणापूर्ण व्यवहार होता है, जिसे समाज की भाषा में न्यायपूर्ण व्यवहार, औचित्यपूर्ण व्यवहार होता है, तो शायद हिंसा को पनपने का मौका उतना नहीं मिलता जितना कि मिल रहा है। वैसे तो हिंसा मनुष्य के भीतर में समाई हुई है, हम एक व्यक्ति को खो नहीं सकते कि जो हिंसा न करता हो। आचार्य हरिभद्र सूरी ने और बहुत पहले भी आचार्यों ने हिंसा और अहिंसा को 4 दृष्टियों से समझने का प्रयत्न किया है। एक हिंसा जो असक्यता से हो जाती है पर हिंसा करने का भाव नहीं, उसे द्रव्य हिंसा माना गया, और एक हिंसा जो भावना पूर्वक होता है कोई कार्य, जब प्राणी नहीं मरता तो भी हिंसा हो जाती है। उदाहरण स्वरूप वही तर्कशास्त्र का एक उदाहरण है कि रज्जव सर्प एक भ्रांति हो गई, रस्सी थी और उसे सांप समझ लिया और सांप समझकर उसको काट दिया, छेदन कर दिया, हिंसा तो नहीं हुई, कोई प्राणी नहीं था,
तो द्रव्य हिंसा तो नहीं हुई, किंतु भावतः वह हिंसा हो गई। वह है भाव हिंसा, एक द्रव्य हिंसा यानी अवास्तविक हिंसा, यथार्थ यथार्थ में हिंसा नहीं, और यह भाव हिंसा जो कि कोई मरा नहीं किंतु यथार्थ में हिंसा हो गई, और एक वह हिंसा जो द्रव्य हिंसा भी है भाव हिंसा भी है, यानी यथार्थ में प्राणी का वध भी हो रहा है और भावना पूर्वक वह प्राणी का वध कर रहा है, तो भाव से भी हिंसा है और प्राणी का वध हो रहा है द्रव्य से भी हिंसा है, यह सर्वांग हिंसा का रूप बन गया। पहली में सर्वांग नहीं बना, एकांग बना था, और यह सर्वांग हिंसा हो गई। और एक चौथा विकल्प हो सकता है कि जहां द्रव्य से हिंसा नहीं भावते भी हिंसा नहीं, यह भंग शून्य होता है, ऐसा कभी होता नहीं। जो शरीरधारी है उससे हिंसा जाने अनजाने हो जाती है, औरों की क्या बात, बीत राग जिसका राग द्वेष समाप्त हो चुका, बीत राग बन चुका जिसमें हिंसा करने की वृत्ति सर्वथा दग्ध बीजवत समाप्त हो चुकी, कुछ भी शेष नहीं है, फिर भी शरीर के कारण कोई न कोई हिंसा हो किसी प्राणी का वध हो जाता है, वह वास्तव में हिंसा नहीं, हम उसको द्रव्यता यानी उपचार से हिंसा मान ले। तो जब तक कोई शरीरधारी है तब तक द्रव्यता हिंसा न हो ऐसा संभव नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, द्रव्य हिंसा होती है उसे हम रोक नहीं सकते, भाव हिंसा है उसे हम रोक सकते हैं, दो हिंसाएं हमारे लिए दो कोटियां भर ध्यान देने योग्य है, एक तो हिंसा करने का भाव और एक हिंसा करने का भाव और साथ में प्राणी का वध दोनों होता है, ये दोनों वर्जनीय है। हमें सबसे पहले भाव पर ध्यान देना चाहिए, हम अहिंसा की बात करें और जब तक मनुष्य के भाव का परिवर्तन न हो, भावात्मक परिवर्तन न हो, तब तक अहिंसा की बात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। भावात्मक परिवर्तन मनुष्य के भीतर हिंसा का भाव है। भगवान महावीर ने बहुत पहले से कहा था कि शस्त्र 10 प्रकार के होते हैं, अग्नि भी शस्त्र है, लोह का बना हुआ भी शस्त्र है, 10 प्रकार बतलाए, अंत में बतलाया भावो भाव, जहाँ कोई द्रव्य नहीं केवल भावधारा ही शस्त्र है। शायद इसी बात को संयुक्त राष्ट्र संघ के एक परिच्छेद में कहा गया कि युद्ध है वह पहले मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होता है, लड़ा जाता है और फिर समर भूमि में लड़ा जाता है। तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना हमारे मस्तिष्क पर कि मस्तिष्क में क्या है। मैं मस्तिष्क विद्या में बहुत विश्वास करता हूँ, वर्तमान में जो मस्तिष्क विद्या पर जो खोजें हुई है बड़ी महत्वपूर्ण खोजें हुई है, और जब तक हम मस्तिष्क को समझने का प्रयत्न न करें शायद धर्म की बात भी पूरी समझ में नहीं आएगी, समाज शास्त्री अर्थशास्त्रीय दृष्टि भी पूरी समझ में नहीं आएगी। हमें आधार मानना चाहिए मस्तिष्क विद्या को, और मस्तिष्क के जो प्रकोष्ठ हैं जिनके बारे में हमने बहुत वर्षों से ध्यान दिया, आज भी दे रहे हैं, और अब भी यह प्रयत्न है कि मस्तिष्क को अधिक से अधिक समझने का प्रयत्न किया जाए। एक उदाहरण ले कि भारत की सरकार ने कुछ प्रांतों पर अधिक ध्यान दिया और कुछ प्रांतों पर कम ध्यान दिया, जो दूरवर्ती थे उन पर कम ध्यान गया और उसकी प्रतिक्रिया में हिंसा का भाव बढ़ रहा है। ये कम ध्यान दिया, पदार्थ कम मिले, उससे पहले वह मस्तिष्क की यह प्रतिक्रिया है कि हमारी उपेक्षा हो रही है और हम पर ध्यान कम दिया जा रहा है, और वह प्रतिक्रियात्मक हिंसा
हिंसा दो प्रकार की होती है, एक क्रियात्मक हिंसा और एक प्रतिक्रियात्मक हिंसा। वर्तमान में मैं देख रहा हूँ कि क्रियात्मक हिंसा तो कोई बहुत भयंकर नहीं होती, अच्छी तो नहीं है पर बहुत भयंकर नहीं होती, और ये जो प्रतिक्रियात्मक हिंसा है वह बहुत ज़्यादा भयंकर होती है। हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, इन दिनों में भी कई व्यक्ति आए, पहले भी आए, कि मलेरिया था और डॉक्टर ने इतनी तेज़ दवाइयाँ दी या इतनी प्रतिक्रिया हुई कि लकवा हो गया, कोई अपंग हो गया, किसी की आंख चली गई, किसी का सिर दर्द भयंकर हो गया। प्रतिक्रियात्मक समस्याएं बहुत होती है। आज ये प्रतिक्रियात्मक हिंसा है, आप किसी की उपेक्षा करें तो प्रतिक्रिया अवश्य होगी। आप एक हाथ से काम लें और दूसरे हाथ को बिल्कुल निकम्मा नाकारा कर दें तो वह हाथ भी निकम्मा हो जाएगा और आपको कष्ट देने लग जाएगा। शरीर के किसी भी भाग की हम उपेक्षा करते हैं तो वह भाग सताने लग जाएगा, कष्ट देने लग जाएगा। मानता हूँ वही स्थिति है कि उपेक्षा के कारण कुछ स्थितियाँ उलझी है और समस्या भी आखिर मानवीय समस्या है कि शासन में कौन व्यक्ति किस प्रांत से आया, जिस प्रांत से आता है उस प्रांत को वह ज़्यादा अच्छा करना चाहता है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी आता है उसको ज़्यादा वह सरसब्ज करना चाहता है। इसका मतलब कि प्रतिक्रिया पैदा करने का अच्छा उपाय, प्रतिक्रिया पैदा होगी निश्चित, एक समरसता हो, समरसता कि भी सबको समान दृष्टि से देखना और समान स्तर पर सारा काम करना, तब तो शायद ये प्रतिक्रियात्मक हिंसा को बढ़ने का मौका नहीं मिलता। अभी जो हेम भाई ने कहा वह सारी हिंसा प्रतिक्रियात्मक हिंसा की बात है। जहाँ हेम भाई काम कर रहे हैं वहाँ बाल विजय जी भी गए थे, जो सर्वोदय के नेता है, विनोबा जी के सचिव रहे और बड़े अच्छे हैं और हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं इस समाज में भी। वे असम गए थे और कुछ समय की यात्रा कोकड़ा झाड़ आदि में शिविर भी किए। कुछ समय के बाद जब आए तो उन्होंने हमें बताया कि हमने जो ये आतंककारियों में भी शिविर किए उन युवकों में, या जो बोडो आदि जो युवक हैं उनमें शिविर किए, तो उन युवकों ने कहा हमने तो अहिंसा का नाम भी नहीं सुना, हमें तो बचपन से ही गोली की भाषा सिखाई गई है, हम गोली की भाषा को समझते हैं, अहिंसा की बात को समझते नहीं, आज पहली बार आपसे अहिंसा की बात सुन रहे हैं, हमें अच्छी लग रही है, बात अच्छी लग रही है पर हम जानते भी नहीं। हमारी समस्या है कि अहिंसा को मानने वाले लोग बहुत संतुष्ट लोग हैं, संतुष्ट है, मैं समझते हैं मैं अहिंसा का पालन कर रहा हूँ बस संतुष्ट हो गया, कि मुझे कर्म का बंधन नहीं होगा, मैं अहिंसा में कर रहा हूँ। परंतु एक संस्कृत का एक वाक्य है, नीति सूत्र है, बड़ा महत्वपूर्ण है, कि असंतुष्टो द्विजो नष्ट संतुष्टश्चापि पार्थिव। अगर ब्राह्मण है असंतुष्ट है तो नष्ट हो जाएगा, राजा संतुष्ट है तो नष्ट हो जाएगा। एक ब्राह्मण त्यागी को तो संतोष ही करना चाहिए किंतु शासक को कभी संतोष नहीं करना चाहिए, यह नीति का सूत्र है। तो अहिंसक भी अगर संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं कि मैं धर्म कर रहा हूँ, मैं अहिंसा का पालन कर रहा हूँ, मुझे दूसरों से क्या लेना देना, इसका मतलब कि वह हिंसा को बढ़ाने में अपना योग दे रहा है। जब तक हिंसा के कारणों पर अहिंसक विचार नहीं करेगा और हिंसा के कारणों का निवारण करने का प्रयत्न नहीं करेगा तो मेरी दृष्टि में तो वह भी हिंसा करने वालों की सूची में चला जाएगा। वह जाने अनजाने प्रत्यक्ष या परोक्ष में एक प्रकार से हिंसा का अनुमोदन कर रहा है, कर नहीं रहा है, सोचकर नहीं कर रहा है और नहीं चाहता कि मैं हिंसा का समर्थन करूं या अनुमोदन करूं, किंतु अपने प्रयत्न से वह ऐसा कर रहा है। इसलिए जो भी अहिंसा में विश्वास करने वाले हैं उन सब के लिए सोचने का विषय है कि जो हिंसा के कारण हैं उनको हम समझने का प्रयत्न करें और उन कारणों के निवारण का भी प्रयत्न करें।
जो लोग अपनी जान को हथेली में रखकर और उन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसा भी हम भाई ने कहा कि पता नहीं अगली बार क्या हो, यह पता है कि कुछ भी हो सकता, यह पता नहीं क्या होगा पर कुछ भी हो सकता इस बात का पता है, ऐसे लोग वास्तव में अहिंसा को आगे बढ़ाने में सहयोगी बन रहे हैं और अहिंसा के क्षेत्र को व्यापक बना रहे हैं। बहुत गंभीर प्रश्न है समाज के सामने कि अगर इस चुनौती का सामना नहीं करते हैं, इस समस्या पर ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या स्थिति बनेगी। समाचार पत्र में एक शायद राजस्थान पत्रिका में एक अर्थशास्त्री का लेख था कि दुनिया की गरीबी कभी कहीं अभिशाप न बन जाए। पूरी दुनिया में 6 अरब आदमी है, उनमें 1 अरब आदमी ऐसे हैं पूरी दुनिया में जिनको पूरी रोटी खाने को नहीं मिलती। यह अहिंसा का एक बहुत बड़ा कारण है। तो हम अहिंसा और हिंसा की दृष्टि से नए सिरे से विचार करें। अभी मुनि सुखलाल जी ने 3 पुस्तकें ऊपर हित की। अभी हमने अहिंसा के बारे में एक अहिंसा प्रशिक्षण का एक चिंतन किया है और एक कोर्स भी बनाया है अहिंसा प्रशिक्षण का। तो उसका एक भाग है अहिंसा सिद्धांत और इतिहास, उसका एक भाग है अहिंसक जीवन शैली, एक भाग है अहिंसा हृदय परिवर्तन यानी प्रयोगों के द्वारा अहिंसा की चेतना का रूपांतरण करना, और उसका चौथा भाग है सम्यक आजीविका एवं आजीविका प्रशिक्षण है। मैं मानता हूँ एक अहिंसा की पूरी परिकल्पना इसमें आई है, पूरी कल्पना की प्रशिक्षण आजीविका का प्रशिक्षण। ऐसे तो लगता है कि ये कोई समाज का काम है, किसका काम है, मैं मानता हूँ ये अहिंसा से जुड़ा हुआ काम है। हिंसा का बड़ा कारण है आजीविका का अभाव, रोटी का अभाव। उस स्थिति में अगर आजीविका का प्रशिक्षण होता है, रोजगार का प्रशिक्षण होता है, तो एक प्रकार से हिंसा को कम करने का प्रयत्न होता है। तो यह 4 आयामी जो अहिंसा प्रशिक्षण का क्रम है, 3 पुस्तकें आ गई, एक शायद आने वाली है, एक नया क्रम बना है अहिंसा प्रशिक्षण का। मैं बहुत बार कहता हूँ कि तायनवी, जो विश्व के प्रसिद्ध इतिहासकार तायनवी, उन्होंने एक बात लिखी मुझे बहुत अच्छी लगी, और वह बात यह है कि रोटी और आस्था में अलगाव हो रहा है। जहाँ रोटी है वहाँ आस्था नहीं है, जहाँ आस्था है वहाँ रोटी नहीं है। बहुत पते की बात है। ये मानता हूँ अहिंसा प्रशिक्षण का क्रम यह रोटी और आस्था दोनों को मिलाने का प्रयत्न है। इस क्रम में रोटी भी है और आस्था भी है। इसलिए जो अहिंसा की चर्चा करने वाले, अहिंसा पर ध्यान देने वाले, अहिंसा की समालोचना करने वाले और अहिंसा को उपादेय मानने वाले और यह मानने वाले अहिंसा के बिना समाज अच्छा नहीं रहता, अहिंसा के बिना समाज अच्छा नहीं रहता यह मानने वाले लोग हैं, उन्हें भी अहिंसा पर पुनर्विचार करना चाहिए, समग्रता से चिंतन करना चाहिए कि केवल अहिंसा का गुणगान करने से, बखान देने से कोई अहिंसा का विकास नहीं होगा। जब तक व्यक्ति के भीतर की हिंसा और व्यक्ति को हिंसक बनाने वाली परिस्थिति जनित हिंसा, इन दोनों का परिष्कार नहीं होगा, तब तक हिंसा को कम नहीं किया जा सकता और अहिंसा की बात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए अहिंसा पर समग्रता से विचार करें। तो मैं मानता हूँ कि आज एक नया दर्शन अहिंसा का हमारे सामने आना चाहिए और सब धार्मिकों को और अहिंसा में विश्वास रखने वालों को नए सिरे से अपना चिंतन कर और अहिंसा को समझने का भी प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार का प्रयत्न चल रहा है, जो लोग काम कर रहे हैं, हमारी अनुव्रत शिक्षक संसद के अनुव्रत समिति और अनुव्रत विश्व भारती के कार्यकर्ता इस दिशा में जो काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ एक नया कार्य अहिंसा के को विकसित करने का एक नया कार्य कर रहे हैं, और उनमें हेम भाई भी हमारे इस कार्य में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोग जो एक
स्वस्थ समाज की रचना के लिए आगे आ रहे हैं, सचमुच साधुवाद के पात्र हैं। बस तीन शब्दों में बात को समाप्त करूं कि सारी निष्पत्ति क्या, तो स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण, स्वस्थ समाज की संरचना और स्वस्थ अर्थव्यवस्था, तीनों के बिना कोई बात पूरी नहीं होगी। हम एक काम करेंगे कुछ भी नहीं होगा। इधर स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाना है, समाज को स्वस्थ बनाना है और अर्थव्यवस्था अस्वस्थ रहे कभी संभव नहीं। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः।